हेलो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स फॉर फोटोशॉप। हम इस चैनल पे वीकली न्यू कोर्स डालेंगे और डेली हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं फोटोशॉप, एलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, वो आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम बेसिक फोटोशॉप के साथ स्टार्ट करेंगे। ये फोटोशॉप का इंटरफेस है, इसमें हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हमारा इंटरफेस खुल गया न्यू फाइल के लिए। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आपको किस कैटेगरी के अंदर अपनी फाइल को क्रिएट करना है। लाइक आपको फोटो एडिटिंग के लिए करना है, प्रिंट मीडिया के लिए करना है, न्यू फाइल बनानी है जिसमें हमारे पास अलग अलग साइजेस अवेलेबल है, जैसे कि लेटर साइज, लीगल एंड सो मैनी अदर्स। अब हमें कोई आर्ट एंड जैसे लाइक पोस्टर्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेब पेज के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, मोबाइल के लेआउट्स बना सकते हैं। तो जिसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस टेम्पलेट को चुन सकते हैं और नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अभी फोटो को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमने लैंडस्केप व्यू लिया है और इसमें हम यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं प्रैक्टिस। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस आता है साइज सिलेक्ट करने का, जिसमें हम ये विड्थ है हमारी इंचेस में और ये हाइट है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स एंड पाइसेस। तो हम इसको अभी इंचेस में ही रहने देते हैं और हम विड्थ कर देते हैं सपोज 10, विड्थ एंड हाइट हम कर देते हैं 10। तो हम एक स्क्वायर बॉक्स बना रहे हैं, इसका रेजोल्यूशन हम ऐड कर सकते हैं। तो 300 इज़ नॉर्मल फॉर वेब एंड कलर मोड भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, RGB, ग्रे स्केल अगर आप किसी को काम करना है, CMYK फॉर प्रिंटिंग। तो हम इसको अभी वेब के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हम RGB कलर में ही यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड आपके आर्टबोर्ड का क्या होना चाहिए वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं हम कलर्स को, या फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सब। अभी हम इसको वाइट ही रहने देते हैं और हम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है, ये हमारा फाइल का नेम है प्रैक्टिस फाइल, ये हमारा आर्टबोर्ड एरिया है जिस पे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई फोटो है वो प्लेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहला मेन्यू जो हमारा आता है फाइल मेन्यू आता है फोटोशॉप के अंदर, जिसमें न्यू जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ओपन मेन्यू जिसमें अगर कोई आपकी पुरानी फाइल है उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं या कोई फ़ोटो है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन में जाके आप इसको कोई भी फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं जो भी आपकी ड्राइव पे अवेलेबल हो। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर रीसेंट, अगर कोई रीसेंट आपकी ओपन है जिस पे आपने वर्क किया हो तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे ओपन करते हैं एक पुरानी फाइल को, तो ये ओपन हो गई है, तो आप पुरानी अपनी फाइलों पे भी वर्क कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आपको एडिट करना है आप कर सकते हैं और ओपन हुई फाइल को क्लोज भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ये आप क्लोज़ किया, आपकी करंट फाइल क्लोज़ हो जाएगी। सपोज़ आपको एक साथ जितनी भी फाइलें ओपन है, हम एक बार दोबारा इसको ओपन करते हैं,
और अगर आपको सारी फाइल्स क्लोज करनी है तो आप क्लोज ऑल भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम दोबारा फाइल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं सेव फाइल के। अगर आपने इस पे कुछ काम किया है तो आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, जो भी आपने काम किया आपका सेव हो जाएगा। सेव एज का ऑप्शन आएगा, जिसमें अगर आप इस फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी ये फाइल भी एज इट इज़ रहे और इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए, तो आपको सेव एज कॉपी का भी ऑप्शन मिलता है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी के ऑप्शंस